विधानसभा निर्वाचन के चलते चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार धार जिले में विभिन्न स्थानों पर निगरानी दलों के द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आज वाहन चेकिंग के दौरान एसएसटी दल द्वारा धार के नौगांव थाने के सामने टाटा इंडिगो वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें 24 किलो चांदी के जेवर पाए गए। उक्त ज्वेलरी कार की डिग्गी के बैग में रखी हुई थी। इस चांदी की कुल कीमत 6,96,533 आंकी गई है। वाहन मालिक के द्वारा उक्त जेवर के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने से चांदी के जेवर एवं कार को जब्त कर लिया गया। आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। पाए गए, क्या है पूरा मामला? जो हमारी चेकिंग के दौरान धार रतलाम रोड पर जो सुनार पेटी जो फाटा है, वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान नाके पर एक टाटा इंडिगो कार जिसका नंबर MP43C7646, जिसमें चार लोग बैठे हुए थे, इस गाड़ी को रोक कर हमारी चेकिंग टीम ने उनको चेक किया तो उनकी कार की खिड़की के अंदर एक थैले में चांदी की ज्वेलरी रखी हुई थी। जो इन लोगों से पूछताछ करते इन्होंने बताया कि 24 किलो की ज्वेलरी है, तथा इन लोगों से पूछताछ कहाँ से ला रहे थे, बोले कि हम लोग रतलाम के रहने वाले हैं तथा रतलाम से ज्वेलरी खरीद करके और धार में बेचने के लिए ला रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि इतने पैसे कहाँ से पैसे प्राप्त किए, उस पैसे का ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस आधार पर ज्वेलरी को और कार को जब्त किया गया है तथा ज्वेलरी के संबंध में जांच की जा रही है कि किसकी है, कहाँ से है, किस प्रकार ने खरीदी, इसकी जांच की जा रही है। और जब्त सुधा ज्वेलरी के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर धार को सूचना दी गई है कि उनके द्वारा भी कार्रवाई जांच की जा रही है। उप निरीक्षक रामचंद्र शर्मा, थाना नौगांव धार।